राधे राधे ऑल ऑफ यू। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे निब का यूज़ करना सिखाइए, ये कहाँ मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को निब का यूज़ करना सिखाऊंगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, बस वीडियो के अंत तक आप देखिएगा। निब कई तरह की होती है, ये मेरे पास विदाउट होल वाली निब है, देखिए ये प्लेन निब है, और एक और आती है जिसमें कि वो उसमें बीच में होल रहेगी, दिखाती हूँ उसको, उसे भी। ये देखिए ये जिसमें कि होल है, इसी में यूज़ की हूँ इसीलिए उसमें कलर लगी हुई है, और ये प्लेन नीव है। और इसके लिए आपको चाहिए एक स्टोन और एक पेन होल्डर जिसमें कि नीव आपको घुसानी है। तो मैं इस तरह देख सकते हैं, आप इस तरह निकाल लीजिए दोनों तरफ से और इसमें आप नीव लगा दीजिए। आप कोई भी पेन होल्डर ले सकते हैं। अब इससे डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते फैब्रिक पे, आपको इसके लिए इससे थोड़ी सी शार्प बनानी होगी। तो ये मैं स्टोन पे इसे इस तरह अप डाउन करके एक बार साइड से, दोनों साइड से भी ऊपर नीचे सारी तरफ आप देखिए, इसी तरह आपको भी करनी है धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं कीजिए, ऐसे में नहीं ख़राब हो सकती है। इसी तरह कुछ डिज़ाइन आप इस पर बना के इस तरह आप देख लीजिए। चलिए तो मैं आपको फैब्रिक पर करके दिखा देती हूँ। अब आपको कलर चाहिए, ये मीडियम है जो कि मैं कलर में मिलाऊंगी, ये फैब्रिक कलर है एक्रेलिक, और ये मीडियम है दो नंबर की, एक नंबर की भी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूज़ करके दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस है 25 रुपीज़ मीडियम टू की। चलिए इस कलर काफ़ी गाढ़ी होती है इसलिए इसे थोड़ी थिन करनी होगी, तो मैं थोड़ी सी कलर इसमें डाल ली हूँ। अब इसे मीडियम मिलाऊंगी, मीडियम को यूज़ करने से पहले उसे थोड़ी सी मिक्स कर ले। अब इसमें मैं मीडियम मिक्स करूँगी स्मॉल क्वांटिटी में। अब इससे ब्रश के पीछे वाले हिस्से से आप इसे मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कर लियो, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं एक फैब्रिक में मास्क ली हूँ, कॉटन मास्क है, अब इसे मैं करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अब नीब कितनी आसानी से इजीली से चल रही है। अगर नहीं चले तो आप फिर इसे स्टोन पे इसे पत्थर पे घस सकते हैं। इससे क्या होता है, नीब के साइड में कॉर्नर में कुछ भी निकला हुआ साइड एरिया तो वो ठीक हो जाता है और नीब एकदम शार्प हो जाती है। इसी तरह अगर आप लोगों को नीब से पेंटिंग नहीं करनी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊँगी जो कि आपके लिए बेस्ट है। देखिए इसी तरह डबल लाइनिंग होती है इसलिए मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरा तरीका सिखाती हूँ अगर नीब से नहीं होती है तो। ये एक ब्रश है 53 नंबर की, आप देख लीजिए, इसकी प्राइस आपको 15 रुपीज़ है। देखिए आपको सारी साइज़ की आती है, ये 53 साइज की आपको 15 रुपीज़ में मिल जाएगी, 00 साइज की आती है, तो आपको स्केचिंग के लिए 53 साइज की ब्रश बेस्ट है। तो ये देखिए आपको इसको, इस ब्रश को कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप मार्केट से इसे ख़रीद के लाएं और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी कलर से करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैं बॉर्डर बना रही हूँ, देखिए आपको ईजिली बन जाएगी। तो अगर आपको नीब से अगर नहीं आती है करने तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी ईजिली से हो जाएगी। आपको ये नीब कलर ब्रश ये सारी चीज़ें आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी इसे शॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएँ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए कितनी इजीली से ब्रश से भी हो रही है। तो आपको अगर नीब से नहीं होती तो आप ब्रश से ही कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, मुझे लगता नहीं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये देखिए कितनी पतली काम हुई है, मेरी और भी सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।